ॐ श्री पक्षी राजाय विद्महे सर्वेश्वराय धीमहि तन्नो सर्वः प्रचोदयात। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव महादेव के एक बड़े ही खतरनाक स्वरूप का जो मंत्र है उसका विधि विधान आपको बताने वाले हैं। यह मंत्र समस्त प्रकार के शत्रुओं का संहार करने के लिए जाना जाता है। समस्त प्रकार की तंत्र विद्याएं, प्रेत बाधा, डाकनी साकरी, ब्रह्मराक्ष, या कहा जाए इस धरती पर जितनी भी तमाम प्रकार की बुरी शक्तियां होती हैं सबका शमन करने के लिए इस मंत्र का उपयोग किया जा सकता है। भगवान भोलेनाथ का इस स्वरूप का वर्णन कई ग्रंथों में मिलता है। भगवान नारसिंह का जब अवतार हुआ था और हिरण्यकश्यप का जब वध हुआ था तो भगवान नारसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उस समय सभी देवताओं में कोलाहल मच गया, सभी राक्षसों में कोलाहल मच गया और पृथ्वी पर भी कोलाहल मच गया, क्योंकि भगवान नारसिंह नारायण के अवतार माने जाते हैं और उनका जब क्रोध शांत ना हो तो सब कुछ खतरे में रहता है। कहा जाए तो पूरा ब्रह्मांड खतरे में आ गया था। उस समय देवताओं की आग्रह से भगवान भोलेनाथ ने सर्वेश्वर का अवतार लिया, जो कि एक पक्षी की तरह दिखाई देता है और इनका जो मुंह होता है उल्लू के समान दिखाई देता है, जिनके चार पैर भी हैं। और कहा जाए तो उस स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, वो आप चित्र में देख सकते हैं कि लगभग इस तरह का अवतार भगवान भोलेनाथ ने लिया था। और ऐसा अवतार लेने के बाद इन्होंने नारसिंह भगवान से युद्ध किया और नारसिंह भगवान को क्रोध से शांत किया, उनको अपने हाथ में पकड़कर कई कोशों दूर तक कई ब्रह्मांडों में भागते रहे और अंत में नारसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया। भगवान भोलेनाथ के इस अवतार का ही यह मंत्र माना जाता है। वैसे पक्षीराज नाम से आपने सुने होंगे, बहुत सारे मंत्र हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, उनमें से यह भी एक मंत्र है और बहुत जल्दी ही इनकी मंत्रमाला भी आने वाली है। बहुत जल्दी ही इनके शावर मंत्र भी हमारे इस चैनल पे आपको सुनने को मिलेंगे। यह मंत्र आपने हमारे चैनल पे इस वीडियो के रिलीज होने से पहले श्रवण कर ही लिया होगा और यह मंत्र सुनने से भी लाभ देता है, इसलिए सुन लेना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तंत्र मंत्र के जनक माने जाते हैं और इस कराल काल कलयुग में धरती में हर चौथा व्यक्ति तंत्र मंत्र बाधा से, प्रेत बाधा से पीड़ित रहता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हर व्यक्ति का कोई ना कोई शत्रु होता है, जलन खोर होता है, कहीं ना कहीं दिक्कत होती ही होती है। आजकल तो मित्र भी हमारे शत्रु बन जाते हैं, रिश्तेदार भी हमारे शत्रु बन जाते हैं, भाई बहन पड़ोसी कोई भी हमारा शत्रु हो सकता है और कहीं से भी हमारे ऊपर घात कर सकता है। ऐसे में भगवान भोलेनाथ का, सर्वेश्वर महाराज का यह मंत्र यदि आप उपयोग करते हैं तो समस्त प्रकार के शत्रुओं का शमन होगा, समस्त प्रकार की प्रेत बाधाओं का शमन होगा और समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का भी शमन होगा। मंत्र हम आपको एक बार फिर श्रवण कराएंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि इस मंत्र की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कई बार लोग इस वीडियो को महीने भर बाद, साल भर बाद भी देखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से मंत्र का विधि विधान है। तो हमने आपको बता दिया, इस वीडियो से रिलीज होने के पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, जिसमें हमने मंत्र का श्रवण उपलब्ध कराया है लगातार, उसी मंत्र का यह विधि विधान है। भगवान भोलेनाथ के इस मंत्र का छोटा सा विधि विधान है और छोटा सा विधि विधान करने के बाद आप किसी भी बाधा से मुक्ति पा सकते हैं, यहाँ तक कि इस मंत्र का झाड़ा फूकी में प्रयोग कर सकते हैं। वैसे यह मंत्र एक स्त्रोत से लिया गया है और स्त्रोत बहुत बड़े होते हैं, आप तो जानते हैं, उनको सिद्ध करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन उसी में से एक छोटे से मंत्र को हम सिद्ध करके प्रयोग करते हैं और उसका अनंत लाभ देखने को मिलता है, उसी प्रकार यह मंत्र भी है। चलिए भगवान भोलेनाथ का यह मंत्र श्रवण करते हैं। ओम नमो भगवते सर्वाय सालवाय सर्वभूतोच्चाटनाय ग्रह राक्षस निवारणाय ज्वालामाला स्वरूपाय दक्ष निष्कासनाय साक्षात काल रुद्र स्वरूपाष्टमूर्ते किशानुरेत से महाक्रूर भूतोच्चाटनाय आप्रति शायनाय शत्रुन नाशय नाशय शत्रुन पशुन ग्रहण ग्रहण खाद खाद ओम हूं फट स्वाहा। ओम पक्षीराजाय विद्महे सर्वेश्वराय धीमहि तन्नो सर्वः प्रचोदयात।
इस तरह का मंत्र है। मंत्र देखिए अलग है, इसमें हमने पीछे गायत्री और जोड़ी है, क्योंकि किसी मंत्र क्रिया के साथ उसकी गायत्री या उसके बीज मंत्र को आप जोड़ते हैं तो उस मंत्र या उस अनुष्ठान की जो शक्ति है थोड़ा सा बढ़ जाती है। इस मंत्र के पीछे भी आप लगातार गायत्री लगाकर भी जाप कर सकते हैं, चाहे तो सिंगल मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र एक बार और सुनेंगे। ओम नमो भगवते सर्वाय सालवाय सर्वभूतोच्चाटनाय गृह राक्षस निवारणाय ज्वालामाला स्वरूपाय दक्ष निष्कासनाय साक्षात्काल रुद्र स्वरूपाष्ट मूर्धय किसानुरेत से महाक्रूर भूतोच्चाटनाय आप्रतिशयनाय शत्रुन नाशयनाशय शत्रुन पशुन ग्रहण ग्रहण फात फात ओम हूं फट स्वाहा। ये मुख्य मंत्र हो गया। अब इसके पीछे गायत्री भी जोड़ सकते हैं, कोई भी गायत्री आप जोड़ सकते हैं, भगवान भोलेनाथ की गायत्री भी जोड़ सकते हैं। हमें दो गायत्रियों की जोड़ने की सलाह देते हैं। एक है ओम पक्षी सालवाय विदमहे वज्रतुंडाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। एक ये गायत्री मंत्र हो गया। और ये दूसरा ओम पक्षी राजाय विदमहे सर्वेश्वराय धीमहि तन्नो सर्वः प्रचोदयात्। ये दूसरी गायत्री है। आप चाहे तो भोलेनाथ की और अन्य गायत्रियां भी लगाकर इस मंत्र का जापन कर सकते हैं। मतलब कोई एक गायत्री लगानी है, जरूरी नहीं है सब लगाएं, कोई एक गायत्री आप लगा के इस मंत्र का जाप करने में उपयोग कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ का मंत्र है, सर्वेश्वर का मंत्र है, तो आप सोमवार के दिन इसकी साधना कर सकते हैं। यदि सोमवार को सोमवती अमावस्या पड़ जाती है, इसके अलावा शिवरात्रि में, नवरात्रि में, होली की रात में, ग्रहण काल में, दीपावली की रात में, और आपको कोई मुहूर्त नहीं मिलते हैं तो सर्वार्थ सिद्धि योग में हर महीने कोई ना कोई सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ता है, नहीं सोमवार खाली सोमवार के दिन भी इस मंत्र का आप जापन कर सकते हैं। लेकिन इसका अनुष्ठानिक रूप से यदि आपको जापन करना है, सोमवती अवश्य होनी चाहिए, शिवरात्रि होनी चाहिए, तो यह मंत्र जो है अतिशक्ति के साथ सिद्ध होता है और अतिशक्ति प्रचंड शक्ति के साथ कार्य भी करता है। भगवान भोलेनाथ का विधि विधान से पूजन करिए, सर्वेश्वर महाराज का ध्यान करिए। विधि विधान में तो आप जानती हैं भोलेनाथ का कोई विधि विधान है ही नहीं। उनको बढ़िया गंगा जल से, शुद्ध जल से स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए, धूप दीप दिखाइए, बेलपत्ती पुष्प धतूरा मदार की सारी चीज़ें उनके ऊपर अर्पण करिए, नैवेद्य यानी प्रसाद अर्पण करिए, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करिए कि हे महाराज, आप तंत्र के जनक माने जाते हैं, हमारे ऊपर जो भी तंत्र बाधा है, हमारा जो भी शत्रु हमें पीठ पीछे घात पहुंचा रहा है, हमारे ऊपर जो भी प्रेत बाधा है, हमारे घर में कोई प्रेत बाधा है, हमारे पितृ बिगड़े हुए हैं, कोई भी समस्या है, आप अपनी समस्या का प्रार्थना के रूप में भगवान भोलेनाथ से बखान कर सकते हैं। इन सब समस्याओं का भगवान निवारण करें। ना तो हम मंत्र जानते हैं, ना तंत्र जानते हैं, ना आपकी पूजा जानते हैं, लेकिन हम एक छोटे से मंत्र का अपने ध्येय को देखते हुए इसका जाप कर रहे हैं, इसमें सिद्धि दें, इसमें शक्ति दें। अपने शब्दों में देखिए प्रार्थना करिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी शब्द होते हैं, उन शब्दों से भी प्रार्थना कर सकता है। प्रार्थना करने के बाद माला रुद्राक्ष ले लीजिए और सर्वेश्वर महाराज के इस मंत्र का आप जापन करिए, निरंतर जापन करिए। 11 माला प्रयास करिए कि हो जाए तो अति उत्तम है। 11 माला यदि आपकी हो जाती हैं, इसके बाद आप उसका 10% हवन कर दीजिए और भगवान भोलेनाथ से क्षमा याचना प्रार्थना करते हुए हवन करने के बाद हवन की भस्मी को ठंडा होने तक उसकी भस्मी को छान कर अपने पास रख लीजिए। जब भी जाप आपका संपन्न हो, हवन संपन्न हो, तो अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल छिड़क के इंद्र भगवान का नाम लेते हुए अपने माथे पर तिलक किया करिए। ऐसा ओम शक्ताय नमः इस तरह भी कर सकते हैं और अपने माथे पर तिलक कर लिया करिए। ऐसा करने से आपके जप की जो शक्ति है, जो भी उसका ऊर्जा है, वो आप ही को मिलती है, कोई उसे चुरा नहीं पाता है। ऐसा करना अनिवार्य माना जाता है। कई जगह आपने देखा होगा लोग सालों साल तपस्या करते हैं, सालों साल पूजा करते हैं और बाद में पता चलता है कि उनका फल उनको मिला ही नहीं, उनने सिर्फ मेहनत ही की। कई बार छोटी छोटी चूकें करते हैं जिसके कारण उनका फल जो है समाप्त हो जाता है, ऊर्जा समाप्त हो जाती है। मंत्र सिद्ध होने के बाद उस जो भस्मी आपकी बची है, यज्ञ भस्मी या हवन कुंड की जो भस्मी बची है, वेदी की जो भस्मी है, उसको थोड़े से गंगा जल में, थोड़े से गौमूत्र में, और इसके बाद आप चाहें तो उसमें सादा जल भी मिला सकते हैं, एक चुटकी उसमें भस्म डाल दीजिए और उषा के सहारे उसका अपने पूरे घर में छिड़काव करिए, अपने मस्तक पे छिड़काव करिए, शरीर पे छिड़काव करिए, बिस्तर में छिड़काव करिए, किचन में छिड़काव करिए, जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, ऐसी जगह उस भस्मी का आप जल में मिश्रित करके, गौमूत्र में मिश्रित करके आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो, सर्वेश्वर के
सामने नहीं टिक सकती, उसका नाशन हो ही जाएगा। इसके अलावा शत्रुघात से बचने के लिए इस मंत्र का विशेष विधान है, जो कि हम आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी कुछ शॉर्ट में आपको बता देते हैं। इस मंत्र को 11 से 23 बार पाठन करते हुए अपने दाहिने हाथ पर काले रंग का कालावा आप बांधें, चाहें तो लाल रंग का बांध सकते हैं, पीले रंग का भी बांध सकते हैं, लेकिन काले रंग का बांधेंगे तो उत्तम माना जाएगा। और ऐसा करने के बाद आप चाहें तो इसी भस्मी को एक ताबीज में कवच के रूप में भर कर धारण कर सकते हैं। ऐसे में कोई भी शत्रु आपके ऊपर घात नहीं पहुंचा पाएगा, शत्रु के द्वारा चलाई गई विद्याएँ तत्काल ही उसी के ऊपर वापस चली जाएगी, क्योंकि सर्वेश्वर महाराज बड़े उग्रदेव माने जाते हैं और इनके पास जो भी नकारात्मक शक्ति आती है, जो भी उग्र शक्ति आती है, वह अपने आप या तो नष्ट हो जाती है या वापस चली जाती है। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंत्र का आप पालन करेंगे तो आपको लाभ अवश्य ही मिल जाएगा, क्योंकि देखिए मंत्र सिर्फ शब्द होते हैं, जब तक इनके प्रति आपकी श्रद्धा नहीं होगी तब तक ये नहीं कार्य करते। तो मंत्र के प्रति श्रद्धा बनाइए, सुनने में भी श्रद्धा बनानी पड़ती है। कई लोग सोचते हैं मंत्र असर नहीं कर रहा, यही कमी होती है, वो म्यूजिक समझ के सुनते हैं, अच्छा स्वर नहीं है, बुरा स्वर है, ये सिर्फ धारणा बताने के लिए कमेंटों का लिखने के लिए ही मंत्र का श्रवण करते हैं, उनको मंत्र के प्रति उनकी कोई श्रद्धा नहीं होती, इसलिए ऐसे व्यक्तियों पर मंत्र असर नहीं करते। तो अक्सर मंत्र के प्रति श्रद्धा बनाया करिए, पूर्ण मन से और इष्ट का ध्यान करते हुए श्रवण किया करिए। जैसे किसी भी इष्ट का मंत्र हो, शिव जी का हो, नारसिंह हो, चंडी काली भद्रकाली, किसी का भी मंत्र हो, बगलामुखी का मंत्र हो, उनका जिसका भी मंत्र हो उस इष्ट का आप ध्यान करिए और फिर श्रवण करिए, फिर देखिए 5 मिनट में ही आपको लाभ हो जाएगा। उम्मीद करते हैं हमारी छोटी सी जानकारी यह है आपके समझ में आ गई होगी। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा, टेलीग्राम में अभी हम बराबर से जवाब दे नहीं पाते क्योंकि मैं आश्वस्त हूँ, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता, अब इस किसी सहारे से बैठा हूँ पकड़ के, तो देख लीजिएगा आप। और जैसे ही स्वास्थ्य सही होगा सबको बराबर से जवाब मिलेगा। काल संपर्क भी चालू होगा, अभी काल संपर्क भी शाम को 7 से 8:30 तक हमने किया हुआ है, उसमें भी हम सबके कॉल उठा नहीं पाते क्योंकि उसी समय दर्द से पीड़ित हो जाता हूँ, तो मुझे कॉल उठाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, तो क्षमा चाहेंगे। बाकी टेलीग्राम के प्राइवेट चैट में आप लिखेंगे तो हम जैसे ही लगता है कि जवाब हम देने लायक की स्थिति में है तो उस समय हम जवाब दे देते हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय सर्वेश्वर महाराज की। मंत्र डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लीजिएगा।